हेलो स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस वीडियो क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी होल नंबर में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको दो होल नंबर गिवन है ए एंड बी। दो होल नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी अगर आंसर होल नंबर ही आए, इट मीन्स इट फॉलो अ क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, अगर मैं ए को 2 लेता हूँ और बी को 3 लेता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। मीन्स 2 और 3 आपस में होल नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो भी क्या है आपके पास, 6। तो 6 भी क्या है, एक होल नंबर। मीन्स होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, वो भी अगर होल नंबर ही आए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of a multiplication of a whole number, according to commutative property of multiplication of whole number is equal to a multiplied by b is equal to b multiplied by a. means a multiplied by b करो या b multiplied by a करो, means order change करने पर, multiply में order change करने पर result पर कोई फर्क नहीं पड़ता। for example 12 multiply 5, अगर मैं a को 12 ले रहा हूँ और b को 5 ले रहा हूँ, तो a 12 multiply by 5 इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 के। आप करके देख लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 16। या तो फिर 5 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए ऑर्डर चेंज करने के बाद, तो भी कितना आएगा, 16। मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मींस जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए मल्टीप्लाई बी कर लो या बी मल्टीप्लाई ए कर लो, आंसर विल बी सेम। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं, एडिशन में भी पढ़ी थी। वहाँ पे 3 होल नंबर थे, यहाँ पे भी 3 होल नंबर लूंगा मैं। क्या करूँगा मैं, पहले फर्स्ट 2 होल नंबर्स का ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। पहले 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 को, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर थर्ड वाले से होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू, वो इक्वल आना चाहिए किसके, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आया उसको फिर फर्स्ट वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करो। इट मींस फर्स्ट 2 के ग्रुप को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो या लास्ट 2 के ग्रुप को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर मस्ट बी सेम। मींस 3 होल नंबर के ग्रुप को अगर मल्टीप्लाई करें रीअरेंज करके या ऑर्डर चेंज करके, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए को मैं 5 लेता हूँ, बी को 7 और सी को 2, तो सबसे पहले मैंने 5 × 7 का ग्रुप बना लिया। सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा, 5 × 7 35, एंड 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 70। नाउ अब लास्ट 2 इनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, लास्ट 2 वाले होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे तो 7 × 2 दैट इज 14, 14 को फिर 5 से करेंगे दैट इज 70। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, ये ऑलवेज फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ विद जीरो, किसी भी होल नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमें जीरो ही मिलता है। सो दिस इज अ फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी विद जीरो, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय जीरो। जीरो से किसी भी नंबर को या होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मीन्स आपको अब मल्टीप्लाई करना है एडिशन को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन। एडिशन के अंदर क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, कोई नंबर दे रखा है ए, ब्रैकेट में बी प्लस सी दो नंबर दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, फिर प्लस के प्लेस पे प्लस का साइन, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सेकेंड नंबर से दैट इज सी से। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी जो प्रॉपर्टी है उसको अगर एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। चेक कर लेते हैं, ए को मैंने 12 माना, बी को 7 और सी को 3, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। तो ए को अगर मैंने 12 माना है तो सबसे पहले 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई बी को 7 और प्लस 3, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 7 + 3 = 10, 10 को 12 से करेंगे 120। नाउ इसको इस फॉर्म में रख के देखते हैं, अब अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी करूँ इन्हीं नंबर से, तो क्या रिजल्ट सेम आता है क्या,
चेक करते, ए बी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी है, इसको एक्सपेंड करने पे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये आया ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। मीन्स ए के प्लेस पे 12 पुट कर दिया, बी के प्लेस पे 7, सी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले 12 मल्टीप्लाई 7 किया 84, 10 12 मल्टीप्लाई 3 किया 36, दोनों को ऐड करा कितना है 120। मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है एक्चुअली में, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर दो या तीन नंबरों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले नंबर को अंदर के एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओगे, माइनस का साइन है तो माइनस का। नाउ सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो एडिशन की थी, ये नीचे वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, सेवंथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर को, बट इसके अंदर सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो ए मल्टीप्लाई होगा पहले बी से, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी फिर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी, यही लिखा है ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी। पहले बाहर वाला नंबर बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बाहर वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के दूसरे वाले नंबर से, दैट इज सी से। फॉर एग्जाम्पल अगर ए को मैं 9 लेता हूँ, बी को 7 और सी को 2, तो 7 माइनस 2 दैट इज 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। और यहाँ पर देखो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी कर दिया, तो ए आपने लिया 9, 9 रख दिया, बी लिया 7, 7 रख दिया, सी लिया 2, तो सी के प्लेस पे 2 रख दिया, तो ए के प्लेस पे लिखा 9, बी के प्लेस पे 7, ए के प्लेस पे 9, सी के प्लेस पर 2, पुट कर दिया 9 मल्टीप्लाई 7 63, 9 मल्टीप्लाई 2 18, दोनों को माइनस करेंगे 63 माइनस 18 दैट इज 45। मीन्स आंसर देखिए दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन ये आपने प्रूव कर दिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज, थैंक यू।